जनपद बलिया शिक्षा संघ को संबोधित भूपेंद्र नारायण सिंह जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ पंजीकृत बलिया। जनपद बलिया उत्तर प्रदेश भूपेंद्र नारायण सिंह जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ पंजीकृत बलिया ने कहा कि हमें एक होकर कार्य करना चाहिए। हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे बीच में विवाद पैदा का को हमें लगाने की कोशिश कर रही है सरकार। बलिया उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ लखनऊ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 के अंतर्गत पंजीकरण संख्या 1160 दिनांक 28 फरवरी 1967 से पंजीकृत है, जिसमें पंजीकरण संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदीश नारायण सिंह के नाम मेमोरेंडम एवं संविधान विधि मान्य है। तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा एवं सुशील कुमार पांडे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1 की धारा 25(1) के अंतर्गत विधि मान्य नहीं है। दिनेश चंद्र शर्मा द्वारा गठित प्रदेश कार्यकारिणी दिनांक 25 फरवरी 2018 को अवैध कर दिया गया है। अपंजीकृत के एक गुट के प्रदेश महामंत्री जोबीर सिंह और संजय सिंह एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, जबकि दोनों ही अपंजीकृत हैं। दिनांक 11 जून 2018 को तथाकथित अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा की कार्यकारिणी एवं विधि सम्मत निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। मेरा परिचय भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक संघ पंजीकृत गुट। आज इस विद्यालय में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, हम जानना चाहते हैं कैसा है कार्यक्रम रहा। ये कार्यक्रम बहुत ही हमारे शिक्षक समाज की तरफ से बहुत ही अच्छा रहा, और ऐसे हमारे शिक्षक भाई जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, लगता है कि हमारे सरकार की सारी योजनाएँ लागू शिक्षक समाज हमारे कर सकता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आपकी सोच क्या हो सकती है? हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास की यह सोच है कि जो भी बुनियादी चीज़ें हमारे बच्चों को मिल रही है वह सही से सही गरीब तबके के बच्चों तक मिले, और हमारे शिक्षक भाइयों से मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने बच्चों पर अपने बच्चे जैसे ध्यान दें, ताकि हमारे बच्चे के सर्वांगीण विकास हो सके। एज ए शिक्षक के रूप में हम जानना चाहते हैं कि शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? शिक्षक की जिम्मेदारी यह है कि अपने विद्यालय की सारी बुनियादी चीज़ों को जो है अच्छी तरह से लागू करें, अपने बच्चों के साथ घुल मिल करके अपना अध्ययन काम करें, और शिक्षक की जिम्मेदारी मुख्य रूप से यह है शिक्षण कार्य करना, जो कि हमारे शिक्षक समाज के लोग निभा रहे हैं।